दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज है 28 नवंबर 2021। एक बार फिर से हम आपके लिए पांच बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पांच विभागों में बम्पर भर्तियों की अपडेट निकली है। सभी भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और सभी के लिए आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। इन सभी भर्तियों के लिए आप ऑल ओवर इंडिया से किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, पब्लिक सर्विस कमीशन PSC और हेल्थ डिपार्टमेंट भर्ती का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन अन्य विभागों के अंतर्गत भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की पांच बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन एयरफोर्स में। भारतीय वायुसेना में भर्ती निकली है। FCET एग्जाम के माध्यम से भर्ती होगी। 317 वैकेंसीज निकली है। बात अगर इंपोर्टेंट डेट्स की जाए तो इसके लिए आवेदन स्टार्ट होंगे 1 दिसंबर 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 30 दिसंबर 2021 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 30 दिसंबर 2021 है। सैलरी की बात की जाए तो 56,100 से 1,77,500 है प्रति माह के लिए। बात अगर इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 20 से 24 और 20 से 26 वर्ष है। फीस AFCET एंट्री के लिए 250 है ऑल कैंडिडेट्स के लिए। NCC स्पेशल और मेट्रोलॉजी के लिए यहाँ पर जो एंट्री है इसके लिए कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान से भी जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के किसी भी राज्य से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। कैरियर इंडियन एयरफोर्स .CDAC.IN और AFCET.CDAC.IN ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पब्लिक सर्विस कमीशन में। लोक सेवा आयोग PSC के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। जी हाँ दोस्तों, डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इन डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत भर्तियाँ होंगी, जैसे कि रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट, जी हाँ दोस्तों RWD, ग्रामीण निर्माण विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट, सिंचाई विभाग, माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट, लघु सिंचाई विभाग, पंचायती राज डिपार्टमेंट, पंचायती राज विभाग, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट, पेयजल एंड स्वच्छता विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD, लोक निर्माण विभाग, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट, विद्युत सुरक्षा विभाग, हाउसिंग डिपार्टमेंट, आवास विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग, इन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ होंगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम की बात की जाए तो कंबाइंड स्टेट जूनियर इंजीनियर सर्विस एग्जाम 2021 के माध्यम से भर्ती होगी। JEE की पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पर 776 वैकेंसीज निकली हुई है। बात अगर डेट्स की जाए तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 नवंबर 2021 से चल रही है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 17 दिसंबर 2021 है। सैलरी की बात की जाए तो 44,900 से 1,42,400 है प्रति माह के लिए। बात अगर इसमें क्वालिफिकेशन की जाए तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम आयु सीमा रूरल और पंचायती राज डिपार्टमेंट के लिए 18 वर्ष है और जो बाकी के डिपार्टमेंट है उनके लिए मिनिमम 21 वर्ष है। मैक्सिमम आयु सीमा सभी के लिए 43 वर्ष है। कैंडिडेट्स का जन्म 1/7/2000 से 2/7/1978 के बीच में होना अनिवार्य है। फीस जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उत्तराखंड जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। UKPSC.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकले वैद्य विधाना परिषद में। जी हाँ दोस्तों, सिविल असिस्टेंट सर्जन CAS स्पेशलिस्ट की यहाँ पर पोस्ट निकली है। इसके लिए 794 वैकेंसीज है। बात अगर डेट्स की जाए तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 नवंबर से चल रही है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 1 दिसंबर 2021 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 1 दिसंबर 2021 है। सैलरी 53,500 है प्रति माह के लिए। MBBS, PG डिग्री या डिप्लोमा DNB से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम आयु सीमा 42 वर्ष है। SC/ST के लिए 1000 फीस है। OCBC के लिए 1500 रुपये फीस है। मेरिट से चयन होगा, बिना एग्जाम के भर्ती है।
ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। एपी आंध्र प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। apvvp.nic.in और cfw.ap.ac.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। HAL के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है स्टाफ नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मेसिस्ट, ड्रेसर की। यहाँ पर वैकेंसी आप पोस्ट वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो। बात अगर डेट्स की जाए तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर से चल रही है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 14 दिसंबर 2021 है। सैलरी की बात की जाए तो स्टाफ नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट और फार्मेसिस्ट के लिए 37,383 है प्रति माह के लिए। ड्रेसर के लिए 35,555 है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो PUC साथ में GNM, फिजियोथेरेपी और डी फार्मा से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मैक्सिमम 28 वर्ष है। UR OBC के लिए 200 रुपये फीस है। ST PWD के लिए कोई भी फीस नहीं है, जो कि आप RTGS से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम के आधार पर होगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। बेंगलोर कर्नाटका जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। haldesindia.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बात अगर यहाँ पर 5 नंबर जॉब की जाए तो वो निकली है पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है इसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट की। 641 वैकेंसीज है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 10 दिसंबर 2021 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 10 दिसंबर 2021 है। करेक्शन की डेट 11 से 15 दिसंबर 2021 है। सैलरी यहाँ पर 67,300 है लेवल 13 के अंतर्गत। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 25 से 35 वर्ष आयु सीमा है। SC ST OBC कैटेगरी जो छत्तीसगढ़ के है उनके लिए 300 रुपये फीस है। ऑल अदर कैटेगरी के लिए 400 रुपये फीस है, जो कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, चालान और कियोस्क के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा इसमें रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। छत्तीसगढ़ जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। psc.cg.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज के यानी कि 28 नवंबर 2021 की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप इनसे किसी भी भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके मन में अब भी इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और अंत में दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।